सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज की खरीदी का कार्य भी आता है। विगत दिनों रायसेन जिले में राज्य मंत्री नवेंद्र शिवाजी पटेल ने मूंग खरीदी केंद्र का जायजा लिया था और खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत पर जमकर अधिकारियों की क्लास भी ली थी, लेकिन विदिशा जिले में ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, जिसका फायदा उठाते हुए मूंग खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की सहमति से सर्वेयर के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय की पुरानी उपज मंडी स्थित गोदाम क्रमांक 2 में सर्वेयर तिवारी के द्वारा किसान से 300 रुपए तक एक क्विंटल की मान से वसूली उपरांत थी खरीदी की जा रही है। यह आरोप हमारे नहीं बल्कि अपनी मूंग की उपज तुलाने उत्पादन केंद्र पर पहुंचे किसान बाबू सिंह राजपूत ने लगाए हैं। बाबू सिंह राजपूत ने एक वीडियो साझा करते हुए पैसे के लेन देन की पुष्टि भी की है। यह पुरानी मंडी जो भी जगह है, 2 नंबर गोदाम में मूंग की तुलाई हो रही है, वहाँ पर शुक्रवार के दिन हम अपनी मूंग लेकर पहुँचे। शुक्रवार के दिन हम मूंग लेकर पहुँचे अपनी, तो वहाँ पर जो तुलाई वाले उन्होंने बहुत नाटक किया, बोले तोलेंगे नहीं, बोले जब तक पैसा आप हमें नहीं देंगे हम तुलाई नहीं करेंगे। घुमाया, एक दिन घुमा दिया, तो हमारे पास पैसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर 3,000 रुपये देंगे, खुल के कहा उन्होंने, 3,000 रुपये आप हमें देंगे तो ही हम आपकी तुलाई करेंगे, अन्यथा हम तुलाई नहीं करेंगे। तो फिर अगले दिन हम अपने गांव का पैसे की व्यवस्था करके लाए, तो हमारे पास 2700 रुपये की व्यवस्था हुई, कहीं से किसी से हाथ जोड़ के हमने 2700 रुपये की व्यवस्था करी। फिर हम पहुँचे मूंग तुलाई के लिए शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन उन्होंने तुलाई तो की, फिर उन्होंने कहा कि अब 300 रुपये और बाकी रह गए हैं 3,000 रुपये के लिए, तो आप 300 रुपये और दो, तब हम आपकी पर्ची कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे। तो फिर आज शनिवार के बाद रविवार का दिन बीता, हम अपने घर चले गए। आज सोमवार के दिन मैं मंडी पहुंचा, तो उन्होंने वो 300 रुपये भी आज ले लिए। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा आप ये पर्ची चढ़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा 3,000 रुपये पूरे करो आप, तभी हम आपको ये पर्ची कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे। तो मैंने 300 रुपये और उनके लिए दिए, तब जाके उन्होंने कंप्यूटर पर वो काम जो कंप्यूटर पर चढ़ाना था वो चढ़ाया। जिसने पैसे लिए उसको इतबारी करके हैं वहाँ के जो सर्वेयर हैं, उन्होंने हमसे पैसा लिया और हर किसी किसान से वो पैसा ले रहे हैं। किसानों के साथ ठगी की जा रही, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।